नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में माफिया मुख्तार अंसारी पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्तार अंसारी की करोड़ों की अवैध संपत्ति को जब्त किया गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में लगातार मुख्तार अंसारी पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अवैध रूप से जो साम्राज्य मुख्तार अंसारी ने खड़ा किया था, उस पर बुलडोजर चलाने का काम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार कर रही है। फिलहाल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी बंद है, जिस पर कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, कई गंभीर आरोप उन पर लगे हैं। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई भी लगातार जारी है। पिछले लंबे वक्त से मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था, लेकिन उत्तर प्रदेश के बांदा लाने में भी योगी आदित्यनाथ सरकार ने ही अहम भूमिका निभाई है। आपको बता दें, पिछले लंबे वक्त से मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था, लेकिन मुख्तार को उत्तर प्रदेश में हाल ही में पुलिस प्रशासन के द्वारा लाया गया और फिलहाल बांदा जेल में बंद है, जिसके बाद बाहुबली विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी पर पूरी तरीके से शिकंजा उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन कस रहा है। और अब मऊ में मुख्तार अंसारी की करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया गया है। 24 करोड़ रुपए की संपत्ति है जिसे कुर्क किया गया है। लगातार मुख्तार अंसारी पर यह एक्शन लिया जा रहा है। जो अवैध रूप से संपत्ति पिछली सरकारों में हासिल की गई है, फिर चाहे वो बसपा की सरकार हो या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार हो, लगातार उसे अब ध्वस्त करने का काम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ना सिर्फ मुख्तार अंसारी पर उनके गुनाहों का हिसाब किताब उत्तर प्रदेश की जेल में होगा, बल्कि जिस तरीके से अवैध संपत्ति हासिल की गई है, जिस तरीके से गरीबों का जो जमीन थी वो कहीं ना कहीं कब्जाई गई है, उस पर अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पुलिस प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है। और आपको बता दें, अब तक 203 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो मुख्तार अंसारी की जब्त कर ली गई है। तो लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की यह कार्रवाई गैंगस्टर और माफियाओं के खिलाफ जारी है। इससे पहले भी अतीक अहमद, जो कि कुख्यात गैंगस्टर है उत्तर प्रदेश का और अभी जेल में बंद है, उसके भाई अशरफ पर भी उत्तर प्रदेश की प्रयागराज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी 25 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया था और उस पर नोटिस लगा दिया गया था। और यही कार्रवाई मुख्तार अंसारी पर भी की जा रही है। आपको बता दें, हाल ही में मऊ के दक्षिण टोला पुलिस स्टेशन में बीते दिनों मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर के केस में मुकदमा दर्ज किया गया था और पुलिस ने तमाम जो रिपोर्ट थी वो मऊ के डीएम को सौंपी थी। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के दौरान पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि मुख्तार ने अपराध के जरिए अपनी मां के नाम से दशाई पोखरा के पास जमीन हासिल की है और बाद में उसे अपने बेटों के नाम, जो कि उमर और अब्दुल्ला है, उनके नाम ट्रांसफर कर दिया था। जिसके बाद पुलिस की इस पूरी रिपोर्ट पर मऊ के डीएम जो है अमित सिंह बंसल, उनके द्वारा जो पुलिस प्रशासन था उन्हें ये आदेश दिया गया कि दरअसल दशाई पोखरा के पास जो मुख्तार अंसारी के बेटों के नाम जो जमीन है 152 हेक्टेयर, उस पर कार्रवाई की जाए, उस संपत्ति को जब्त किया जाए। जिसके बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन ने राजस्व अधिकारियों की मदद से मुख्तार अंसारी की इस अवैध संपत्ति को कुर्क करने का ऐलान किया है और फिलहाल उस संपत्ति को जब्त कर लिया गया है, जिसकी कीमत 24 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो संपत्ति जिस तरीके से हासिल की गई है, गरीबों की जो जमीन थी उसे कब्जाया गया है, अवैध तरीके से जमीनें हासिल की गई है, और यही वजह है कि साफ तौर पर सख्त संदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर और माफियाओं को दे चुके है कि गरीबों की जो जमीन है उसे वापस लिया जाएगा। और जिस तरीके से इन्होंने जमीनें कब्जाई हैं, जो अवैध तरीके से बिल्डिंग्स खड़ी की गई हैं, उन पर बुलडोजर चलाने का काम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शासन में होगा, ये साफ और स्पष्ट संदेश तमाम माफियाओं और गैंगस्टर को दिया जा चुका है। आपको बता दें, अभी तक उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कार्यकाल में करीब 25 ऐसे कुख्यात गैंगस्टर और माफिया हैं
जिन पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जो अभी सलाखों के पीछे हैं, वही कई जो गैंगस्टर हैं उनका एनकाउंटर भी हो चुका है। साफ तौर पर यह संदेश दिया गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, और इस तरीके से जब विधायक ही गैंगस्टर बने घूम रहे हैं, जब लोगों में डर का भय का माहौल पैदा कर रहे हैं, तो ऐसे में इन पर कार्रवाई बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ और पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई की सराहना हर कोई कर रहा है। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद, फिर चाहे बिरजय सिंह हो या फिर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ही क्यों ना हो, उन पर भी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में बड़ी कार्रवाई हुई है, फिलहाल जेल में बंद है। तो इन तमाम बड़े नेता भी रह चुके हैं और गैंगस्टर माफिया भी हैं, इन पर कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है। तो फिलहाल मुख्तार अंसारी की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है, और उसके बाद मऊ के जो डीएम हैं अमित बंसल, उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल किसी भी कीमत पर माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, और यही साफ और स्पष्ट संदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर और माफियाओं को दिया है। तो आपको बता दें, मुख्तार अंसारी ने जिस तरीके से उन पर तमाम संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, हत्या का आरोप, रंगदारी का आरोप, ये तमाम बड़े मामले उन पर दर्ज हैं। लगभग 15 से भी ज्यादा केस हैं जो फिलहाल मुख्तार अंसारी पर दर्ज हैं, और इन तमाम मामलों को उन्होंने अकेले अंजाम नहीं दिया है, बल्कि मुख्तार अंसारी के जो गुर्गे हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें पूरा साथ उनका दे रहे थे। और यही वजह है कि अब पुलिस ने उन पर भी शिकंजा कसा है। लखनऊ में हजरतगंज पुलिस ने मुख्तार अंसारी के साथ गुर्गों पर केस दर्ज किया है। फिलहाल उनकी गिरफ्तारी की कोशिश लगातार हजरतगंज पुलिस की ओर से जारी है, और पुलिस ने बताया है कि कई टीमें बनाई गई हैं जो मुख्तार अंसारी के गुर्गों को पकड़ने में कामयाबी दिला सकती हैं। तो जिस तरीके से यह पूरी कार्रवाई उत्तर प्रदेश में माफिया और गैंगस्टर के खिलाफ हो रही है, उसके बाद अब तमाम जो खासतौर पर पूर्वांचल के इलाके हैं उसमें जिस तरीके से ये माफिया और गैंगस्टर बसे हुए हैं, उनके अब बंगलों को ध्वस्त करने का काम, उनकी जो अवैध रूप से संपत्ति हासिल की गई है उसे जब्त करने का काम लगातार जारी है, और कहीं ना कहीं अब ये तमाम माफिया कहीं ना कहीं रहम की भीख मांगते नजर आ रहे हैं, और तमाम इनके गुर्गों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है, फिर चाहे मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो। अतीक अहमद की अगर बात की जाए तो वो भी उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माफिया है, गैंगस्टर है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं प्रयागराज में बेहद खौफ लोगों में देखा गया है, लेकिन अब उसके भाई से लेकर तमाम जो उनके गुर्गे हैं उन पर भी पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार 2017 में बनी, और उसके बाद लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हुए ये साफ और स्पष्ट संदेश दिया गया कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, जिन्होंने गरीबों के साथ अन्याय किया है, जिन्होंने पिछली सरकारों में अवैध रूप से संपत्ति हासिल की है, लोगों की हत्याएं की गई हैं और लोगों में डर का माहौल पैदा किया गया है। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें, एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां उत्तर प्रदेश एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दो अवैध रूप से रोहिंग्या जो रह रहे थे गाजियाबाद में, उन पर कार्रवाई की गई है। आमिर हुसैन और नूर आलम को गिरफ्तार किया गया है। दोनों कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे और भारत में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की घुसपैठ कराते थे। तो ये उत्तर प्रदेश में रोहिंग्याओं पर भी बड़ी कार्रवाई लगातार की जा रही है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश एटीएस ने लखनऊ में बड़ी कार्रवाई की थी, जहां उस गिरोह का पर्दाफाश किया गया था जो लगातार बांग्लादेश से कोलकाता के रास्ते उत्तर प्रदेश तक रोहिंग्याओं को बसाने का काम कर रहे हैं, जो षड्यंत्र लगातार देश में रचा जा रहा है रोहिंग्याओं को बसाने का, घुसपैठियों को बसाने का, उसे बेनकाब करने का काम भी उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश एटीएस लगातार ऐसे गिरोह का पर्दाफाश कर रही है, ऐसे तमाम रोहिंग्याओं पर शिकंजा कसा जा रहा है जो इस तरीके से गिरोह बनाकर उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या और घुसपैठियों को बसाने का काम कर रहे हैं, और ये रोहिंग्या फिर देश के तमाम दूसरे हिस्सों में पहुंचाए जा रहे हैं। तो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल माफियाओं और गैंगस्टर की बात की जाए तो 25 से ज्यादा ऐसे माफिया हैं जिन्हें चिन्हित पिछले 4 सालों में किया गया है, जिन पर कई
मुकदमे दर्ज हुए। इतना ही नहीं, 25 से ज्यादा माफियाओं की आपराधिक कृत्य से बनाई गई 1,000 करोड़ से ज्यादा की चल अचल अवैध संपत्तियों को भी जब्त किया गया है। अवैध संपत्तियों को ढहने और कब्जा खाली कराने का खर्च भी अपराधियों और माफियाओं से ही वसूला जा रहा है। इनमें माफिया के सहयोगी जो है, जो उनके गुर्गे हैं, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। उनकी भी संपत्ति को जब्त किया गया है और कई 1,000 एकड़ जमीन है ऐसी जो इन माफियाओं से जब्त की गई है। और फिलहाल योगी आदित्यनाथ सरकार और पुलिस प्रशासन का ये एक्शन माफियाओं और गैंगस्टर पर लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है। फिर चाहे मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो या फिर आजम खान हो, फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।